साइबर सुरक्षा पर भारत की तैयारियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आज दुनिया को जिस सबसे बड़े युद्ध का खतरा है उसके साइबर स्पेस में ही लड़े जाने की संभावना है। आतंकी एक माउस के बटन से भारत जैसे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। डिजिटल आतंक के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने डिजिटल पुलिस फोर्स की शुभ शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 44 ऐसे अत्याधुनिक साइबर लैब्स की शुरुआत की है जो ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अटैक, इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक से लेकर टेररिज्म को मात देने में कारगर साबित होंगे। जमीनी युद्ध के लिए लगातार सैन्य शक्ति बढ़ा रहे भारत के सामने सबसे बड़े युद्ध का खतरा है, लेकिन यह युद्ध मैदान में नहीं बल्कि कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर लड़ा जाएगा। दुश्मन का एक वार भारत के लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। साइबर युद्ध की भारत की तैयारी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अगर भारत पर कभी बड़ा साइबर हमला हुआ तो क्या क्या हो सकता है। डिजिटल अटैकर्स पावर ग्रिड्स को हैक कर सकते हैं जिससे देश का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। डिजिटल हथियारों के जरिए परिवहन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा सकती है। डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मन देश के बड़े बांधों को अपनी मर्जी से खोल सकता है जिससे देश के कई बड़े हिस्से बाढ़ में डूब जाएंगे। अगर डिजिटल हमले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रभावित हो जाए तो आसपास उड़ते सैनिक विमान और लाखों लोगों की जान संकट में आ जाएगी। डिजिटल हमले के जरिए शेयर मार्केट्स को नुकसान पहुंचाकर अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा सकती है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि साइबर युद्ध में बुलेट और बॉम्ब की जगह बिट्स और बाइट्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन नुकसान किसी युद्ध से भी ज्यादा होना तय है। सवाल यह है कि ऐसे किसी भी युद्ध के लिए भारत कितना तैयार है। यूं तो पूरी दुनिया में लगभग सभी देश दूसरे देशों के कंप्यूटर्स में सेंध लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भारत को असली खतरा अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से है। इंटरनेट के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाने और देश में युवाओं को वर्गलाने से लेकर उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल कराने में जुटे ISI और ISIS को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब देश ने अपनी पहली डिजिटल पुलिस फोर्स तैयार कर ली है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज महाराष्ट्र ने अपनी साइबर व्यवस्था को बहुत तंदुरुस्त किया है और एक प्रकार से महाराष्ट्र आज देश में ये पहला राज्य बना है कि जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में हमने साइबर लैब का उद्घाटन किया है। 44 साइबर लैब्स आज हमने शुरू की है। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के 44 साइबर सेल्स का उद्घाटन किया। ये लैब राज्य के अलग अलग हिस्सों में होंगे और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का अब तक सबसे पहला राज्य है। इसमें बेसिक डिस्क फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें, प्लस कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज हमने दी हैं। इसके आगे की स्टेजेस में ये सारी एडवांस कैपेबिलिटीज दी जाएंगी। हाल ही में महाराष्ट्र ATS ने ISIS से जुड़े कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि ISIS इंटरनेट के जरिए रिक्रूटमेंट्स कर भारत के खिलाफ अपनी फौज खड़ी कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में खोले 44 साइबर सेल्स अब ISIS की हर हलचल पर नजर रखेंगे। इसी के साथ अब किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटाने के लिए राज्य को केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि ये काम वो खुद कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कंप्यूटर पर एक क्लिक कर पुलिस अब युवाओं को वर्गलाने वालों तक आसानी से जा पहुंचेगी। अगर आपके पास में अच्छा वेब इंटेलिजेंस यूनिट हो, अच्छा डेटा एनालिटिक्स यूनिट हो, तो आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। इनके पीछे एक्चुअल कौन है, इनका कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न है, इनके लोकेशंस क्या है, ये आप ढूंढ पाते हैं। और इस कैपेबिलिटी का हमको काफ़ी अच्छा फायदा आने वाले समय में होगा। महाराष्ट्र की ये अत्याधुनिक साइबर टीम सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर हैकिंग, फ्रॉड और चीटिंग करने वालों पर भी शिकंजा कस सकेगी। जाहिर है, जहां एक तरफ देश डिजिटल हो रहा है, वहीं ऑनलाइन छात्रों ने लूट के नए नए रास्ते ईजाद कर लिए। उम्मीद है कि बढ़ते साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए सरकार का यह कदम जनता को सुरक्षा और न्याय दिलाने में मददगार साबित होगा। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।
ये साइबर लैब्स महाराष्ट्र ATS स्पेशल ब्रांच और CID को भी मुहैया करवाए जाएंगे। इन सभी लैब्स का एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट मुंबई में होगा, जहां पर बड़े और अहम मामलों के तार जोड़े जा सकेंगे। तकरीबन 800 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को देश के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र को साइबर क्राइम से आजादी दिलाने के लिए फिलहाल 1000 पुलिस कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है। इस डिजिटल पुलिस फोर्स को और ताकतवर बनाने के लिए इसने आर्मी और नेवी के सर्विंग और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ DRDO के वैज्ञानिक और साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। एक खास बात यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल पुलिस फोर्स पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर निर्भर रहेगी और इसे इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में चीन या कोई और विदेशी चिप का इस्तेमाल तक नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर भारत पर साइबर अटैक हुआ तो भारत के पास अपनी बचाव प्रणाली नहीं है। भारत ने इसकी तैयारी देर से ही सही लेकिन शुरू कर दी है। भारत के पास इस वक्त नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि खुफिया एजेंसी रॉ के तहत काम करती है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जिसका की काम है ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग, टेलीकॉम, स्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों को साइबर हमले से बचाना। इसके अलावा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसका काम है कम खतरे वाले क्षेत्र में होने वाले साइबर हमलों से निपटना। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो कि साइबर सुरक्षा का ढांचा तैयार कर रहे हैं। जाहिर है ये तैयारियां भारत को भविष्य में होने वाले किसी भी साइबर युद्ध में एक मजबूत मुल्क के तौर पर खड़ा कर पाएंगी। बस जरूरत है तो बिना वक्त गवाए सभी योजनाओं को अमल में लाने की।